अगर कैसे मेरे गोंडवाना से प्यारे वंश का नामो निशान धूल में मिल जाता, मिट जाता, वो तो ठीक है। ऐसे महापुरुष इस भैया में पैदा हुए, बाबा डॉक्टर अंबेडकर साहेब, हमारे ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले। अरे लोग आज स्कूलों में देखिएगा, ज्ञान की देवी सरस्वती का नाम उनका गुणगान गवा गवा करके, उनका पाठ पढ़ा करके हमारे भारत के लोगों को बुद्धि बनाने का कार्य कर रहे हैं। जिसका आपको पता नहीं ये कहां तक पढ़ी है, कौन से स्कूल में ज्ञान लिया, कहां की रहने वाली है, कौन इसके माता है, कौन इसके पिता है, कुछ अता पता, क्योंकि हम इस पंडाल में जितने भी हमारे मात्र और पुत्र शक्तियां बैठी हैं, जितने हमें बड़देव के सभी उपासक हैं, और प्रकृति धर्म को मानने वाले, प्रकृति नियम से अपने जीवन को सजाने वाले, और यह प्रकृति के तीन नियम हैं, कड़वे जरूर हैं परंतु सत्य है मेरे सगजन, और इस प्रकृति का पहला नियम क्या है, पहला नियम है प्रकृति का, यदि खेत में बीज न डाले तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है, प्रकृति का ये नियम है, समझना। प्रकृति का क्या नियम है, यदि खेत में बीज न डाले तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है, ठीक इसी तरह से दिमाग में यदि हम सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। जैसे हमारे गुरुजन कहते हैं, इसलिए हम लोग आप लोगों से बार बार विनय करते हैं, अर्जी लगाते हैं, बार बार आपको अग्रसर करते हैं कि हम आपको बीच बीच में क्यों जय सेवा के जयकारा लगवाते हैं। कहते हैं कोई चीज को इस्तेमाल ना करो तो जंग लग आ जाती है, और यदि जय सेवा जैसे ना जय सेवा ना बोलो तो नींद सताने लगती है। इसलिए बार बार जय सेवा का नारा आपसे दोहराया जाता है, बुलवाया जाता है। इसी तरह से खेत को यदि हम बार बार ना जोते हैं, उसमें बखन्नी ना करें तो कचरा उग आता है। ऐसे ही जब दिमाग में यदि हम सकारात्मक विचार न डालें तो बुरे विचार पैदा होने लगते हैं। इसलिए आज हमको ऐसे पंडाल लगाने की जरूरत आन पड़ेगी। वो तो ये समझिए, यदि हम उन विदेशी लोगों के चक्कर में, यदि हम उनके उस देवी का ज्ञान उनको दिया जाता है, और भारत में सबसे पहले यदि स्कूल का निर्माण करने वाली कोई देवी थी तो सावित्रीबाई फुले थी, तालियां बजाना पड़ा। पहले ज्ञान का मंदिर, ज्ञान का स्कूल सावित्रीबाई फुले ने खोला था, और धन्य ऐसी महान विभूति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जिसने भारत के उस मूल निवासी को इस भुइया के इस मूल निवासी एसटी एससी ओबीसी वालों को
इस भैया में जीने का अधिकार प्रदान किया, ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। सगत ने याद करो उस समय को, तुमको ऐसे पंडाल लगाने की अनुमति नहीं प्रदान थी। ऐसे तुम्हारे बेटे को अधिकार नहीं था मंचों को बैठ करके प्रवचन करने का। आप ऋग्वेद को उठा करके देखिए, ऋग्वेद में स्पष्ट श्लोक के अंदर यह बात आती है कि यदि कोई शूद्र ज्ञान की चर्चा करता है तो उसके मुख में गरम शीशा करके ठूस देना चाहिए। ऋग्वेद के अंदर चाहो तो मैं श्लोक नंबर भी आपको दे सकूंगा। श्लोक का नंबर ऋग्वेद के अंदर कितने पेज पर है श्लोक है, वो श्लोक आपको नंबर दूंगा। ऐसे श्लोक ऋग्वेद के अंदर है। फिर मेरे प्यारे भारत के इस गोंडवाना के मूल निवासी भाइयों बहनों, तुमको धर्म की बात करने का अधिकार वेदों के अंदर नहीं है, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है। ऐसे मंच लगा करके प्रवचन करने का वेद तुमको अनुमति नहीं प्रदान करते। क्यों? कल कहानी बताई थी ना मैंने कि राजा बलि के उपरांत यहां पर आर्य नीति आने यहां पर इस देश में इस भैया में ब्राह्मणवाद लागू होता है और उन वेदों के अनुसार यदि कोई धर्म की बात सुनता है चोरी से छुपके से सुनाता है तो ऋग्वेद कहता है उनके कानों में गरम तेल डाल करके उनके कानों से सुन कर देना चाहिए। मेरे सगाजनों लोगों ने कहता है मेरे आदिवासी भाइयों मेरे गुड़वाना के लोगों, तुम में बुद्धि नहीं है, तुम में विवेक नहीं है। अरे तुम्हारे पूर्वजों के साथ ऐसा ऐसा अनाचार हुआ जिसके कारण हमारे पूर्वज वनों के ओर पलायन कर गए। अपने धन दौलत को छोड़ करके वनों में महल किले बना करके रहने लगे। सगाजनों वो धन्य है ऐसी माता सावित्री बाई फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। क्या कहा भीमराव अंबेडकर जी ने, अरे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अरे जो पीता है वो उई के और मर काम जैसा दहाड़ता है। जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है मेरे सगाजनों। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं उन माता पिताओं से निवेदन करता हूं इस मंच के माध्यम से, भले ही अपने जिंदगी के लिए एक रोटी कम खा लेना परंतु अपने बेटा बेटी को जरूर पढ़ाना। ये मंच से मेरा आप सभी के लिए निवेदन है, अपने जीवन की कमाई से एक पैसा बचा करके अपने बेटों को जरूर पढ़ाने और लिखाने का कार्य करना, मेरी बेटियों को पढ़ाने का और जगाने का कार्य करना, क्योंकि ये जाकर के हमारे अमर गोंडवाना को अमर करेंगे। सगाजन ये पहला नियम था प्रकृति का। दूसरा नियम क्या है, जिसके पास जो होता है वही उसे बांटता है, जिसके पास में सुख होता है वो सुख बांटता है और जिसके पास में दुख होता है वो दुख बांटता है।
और जिसके पास में ज्ञान होता है वो ज्ञान बांटता है। और जो भ्रमित होता है वो भ्रम बांटता है और जो भयभीत होता है वो भय बांटता है। इसलिए अब हमको निर्णय करना है, दिमाग में विचार करना है कि हमको ज्ञान की जगह बैठना है क्या भ्रमित करने वालों के लोगों के बीच में बैठना है। लीजिए आज इस सुनहरे से मौसम में और आज किस सातवें दिन की अंतिम कड़ी में चलिए मैं कुछ भाव और प्रसंग आपके बीच में लेकर के आपको ले चलूंगा। आज का विशेष प्रसंग मैं अपनी मातृशक्तियों के लिए, क्योंकि यदि घर हमारा मंदिर है तो मंदिर में एक देवी की जरूरत पड़ती है। और हमारी देवी कैसी होना चाहिए, जो उस मंदिर का रख रखाव रख सके, अपने घर को मंदिर बना सके। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे बीच गिरफ ठाकुर पढ़ रहे से सभी कमेटी पहुंची और हमारे गुरु जी का सम्मान फूलमाला के साथ किया। सभी के लिए जोरदार तालियां। आज इस पावन प्रसंग की ओर आपके मन को मैं ले जाने के पहले पुनः एक बार जयकार चाहूंगा। बोलिए प्रकृति शक्ति फला पेंता सेवा सेवा। तो हमारे गुरु हमारी मातृशक्ति के लिए क्या बतलाते हैं, ध्यान देंगे कि नारी धर्म की बात को, हे नारी धर्म की बात को सुनो लगा कर ध्यान। और पति तुम्हारो देवता नहीं कोई भगवान, नहीं कोई भगवान। इसलिए मेरी बात तो सकते हो, ये बात को आप ध्यान से समझते जाइए। ये बात हमारे गुरु क्यों लिखते हैं और क्यों कह रहे हैं हमारे मातृशक्तियों के लिए, क्या कह रहे हैं कि नारी धर्म की बात खे सुनो लगाकर ध्यान। और पति तुम्हारो देवता नहीं कोई भगवान। अब
इस प्रमाण को आपको सिद्ध करना है। और ये मातृ शक्तियों के भाव को हमारे गुरु ने बखान किया है कि मातृ शक्तियों का कर्तव्य क्या होना चाहिए। परंतु आजकल हम देखते हैं मेरे सगाजनों, सबसे ज्यादा यदि अंध भक्ति में कोई अपनी जीवन को यदि व्यतीत कर रहे हैं तो ये मातृ शक्तियां शांति बना करके बैठेंगी। मेरी मातृ शक्तियां शोरगोल बिल्कुल नहीं करेंगे, आराम से कोई चर्चा नहीं रखेगा बीच में, शांति का बात, क्योंकि समय सिर्फ आज का है, कल नहीं मिलेंगे उनकी और मर का। क्यों कल गुरुजी ने कहा है गुड़वाना की चिरैया, समझ गए। इसीलिए समय आज का है सिर्फ आपके बीच में, और इस समय को बर्बाद होने से आप बचाएंगे। इसलिए बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पहनता, तो क्या कहते हैं हमारे गुरुजी कि नारी धर्म की बात है सुनो लगा कर ध्यान, पुरपति तुम्हारो देवता नहीं कोई भगवान। अब इसकी मैं परीक्षा कर रहा हूं, ये चौपाई की इस दोहे की मैं परीक्षा लेना चाहता हूं मेरी मातृ शक्तियों से। अब मेरी मातृ शक्तियां आप ये बताइए कि आप पति के लिए जो व्रत करती हो, जैसे मान चलिए तीजा का, ठीक है ना भाई सगाजन, अपने देश यहाँ नामदापुरम में तीजा का त्योहार चलता है, फुलेरा वाला फुलेरा का व्रत आप लोग रहती हो ना मैया, रहती हो, कितनी माँ रहती है जरा हाथ ऊंचा करना। हाँ उसमें कोई संदेह नहीं, करिए ऊपर हाथ, बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा प्रसंग है जो तीजा का व्रत करती है, ठीक है ना। चलिए अब तीजा का व्रत जो मातृ शक्तियां रहती हैं, परंतु मैं तो ऐसा लगता है कुछ माँ मेरी संकोच में हाथ नहीं उठाना वाले गुरु जी है। अब तीजा का व्रत जो बताया है वो हमारी मातृ शक्तियां रहती हैं, और उस व्रत में पानी ग्रहण नहीं करती हैं, भोजन ग्रहण नहीं करती हैं, यानी 24 घंटा रात एक दिन और एक रात उपवास रखती हैं, ठीक है ना। काय के लिए रहती हैं? अपने पति के लिए। अब इसकी दास्ता सुनिएगा, मैं बताऊंगा आपको। अब हम जब तीजा का व्रत पूर्ण कर लेते हैं, भगवान शंभु शेख की पूजन कर लेते हैं, इस व्रत को रह करके, और मैं आपसे एक परीक्षा का प्रश्न है, एक ही प्रश्न है आपकी परीक्षा का, कि पूजन के और तीजा